एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पिज्जा और उसका बेस जो है वो घर पर ही बनाएंगे। ये मैंने ले लिया है मैदा, बेकिंग सोडा, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और सॉल्ट। सो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अपने मैदे में मिक्स करना है। ये मैंने 1 टीस्पून ईस्ट को पानी में भिगो के रख लिया था, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। और ये है हमारा बेकिंग सोडा, इसको भी हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून। और हम अपना सॉल्ट ले लेंगे आधा चम्मच के करीब। अब हमें इस आटे को, इस मैदे को गूंद लेना है अच्छी तरीके से और इसे रेस्ट के लिए रख देना है। सबसे पहले आटा गूंदने वाला ही काम किया जाता है पिज्ज़ा या शावरमा बनाने के बेस में, क्योंकि इसे रेस्ट के लिए रखना होता है क्योंकि ये राइस होता है। ओके, आटा मैदा हमारा गूंद चुका है, इसे मैंने इसके साइज के कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके ऊपर एक पॉलिथीन को हम रैप कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से कवर करके साइड पे रखेंगे। अब हम अपने चिकन पे आते हैं। चिकन मैंने बोनलेस लिया हुआ है थोड़ा सा, जितना मुझे रिक्वायर्ड था। ये बड़ी बड़ी पीसेस है, मैं इसे ना सीजर की हेल्प से छोटा छोटा कट कर लूँगी, उसके बाद बॉईल करने के लिए रखूँगी। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर, वाटर के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 80% इसे कुक कर लेंगे हम। 70-80% हमें इसे कुक कर लेना है। हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे इसे। जब तक हमारा चिकन बॉइल हो रहा है और हमारा मैदा रेस्ट पे है, हम वेजीज कट कर लेते हैं। क्यूब शेप में वेजीज को कट करना है, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को। इतना ही है घर पे, तो यही डाल देते हैं। हमारा चिकन जो है 70-80% कुक हो चुका है, हमें इतना ही करना था। अब इसमें जो थोड़ा बहुत हड्डी नज़र आ रही है छोटी छोटी, इसे अच्छी तरीके से ढूंढ ढूंढ के अलग करके और हाफ पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि पिज्जे पे इतनी बड़ी पीस अच्छी नहीं लगेगी। तो इस कट करने के बाद हम मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेशन करके रख देंगे। इस पर हम मैरिनेट करेंगे टिक्का या तंदूरी मसाला। इसका जो मैरिनेशन का टिक्का या तंदूरी मसाला हमें चाहिए, वो अभी तक आया नहीं है, मैंने मंगाया हुआ है। तो तब तक के लिए हम इसमें नमक और रेड चिली पाउडर डाल के फ्रिज में रख देते हैं। और ये जो है, ये घर का पिसा हुआ रेड चिली पाउडर है। अब हमें इसे मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। अब जब टिक्का मसाला आएगा तो हम इसमें ऐड करके रख देंगे। और तब तक हम अपना जो मैदा हमने राइस के लिए रखा था, वो राइस हो चुका होगा, तो उसकी रोटियाँ बना लेते हैं जो हमें पिज्जे का बेस चाहिए। ये देखिए मैदा हमारा राइस हो चुका है। अब इसे एक बार और अच्छी तरीके से नीड करके इसके अंदर की जितनी भी एयर है वो हमें रिमूव करना है और इसका बेस बनाना है। पहले एक बार इसे नीड कर लेते हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से नीड कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के हम रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। पिज्जे का बेस हो गया है डन, 5 बेस मैंने बनाए हैं और टिक्का मसाला भी आ चुका है, बाबा का टिक्का मसाला 30 रुपीज़ का, 100 ग्राम मिलता है। और हम इसमें इसे चिकन में ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम फ्राई कर देंगे। मैंने इसमें जो टिक्का मसाला था वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने सनफ्लावर ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चिकन। इसे 5 मिनट तक भून के हमें निकाल देंगे। हमारा चिकन जो है वो मैंने 5 मिनट तक भून लिया है, बस हमें
इंस्टेंट कुकिंग बॉईल करने में ही कर ली थी। अब हमारी वेजीज जो है वो कट के रेडी हैं, उन्हें हम ऐसे ही रॉ नहीं डालेंगे, उनको भी हम बटर में भून लेंगे। ये रही हमारी वेजीज और ये रहा हमारा बटर। ये जो सारा बटर है ये हम उसमें पैन में डाल के भून लेंगे, उसी पैन में जिसमें से हमने अभी चिकन बनाया है। हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। अब सारी वेजीज को एक साथ ही ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर ही हम इसे सॉटे कर लेंगे और उससे पहले हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, ताकि ये थोड़ा जल्दी से गल जाए। और इसके साथ साथ हमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा ऑरिगेनो। अब इसे मिक्स करके 4-5 मिनट तक भूनेंगे और निकालेंगे। वेजीज तो हमारी हो गई हैं। तो सारी प्रिपरेशन डन हो गई है। यहाँ पे है हमारे सॉसेस, शेजवान चटनी, पिज्जा पास्ता सॉस, चीज क्यूब, यहाँ पे वेजीज और चिकन है, और ये जो मैंने 5 पिज्जा मुझे बनाना है उसका बेस मैंने एक साथ लगा लिया है ट्रे पर। और इधर पे है हमारी मेयो, सब पर हम एक साथ ही लगाएंगे ताकि ये जो हमारा ये दोनों सामान है ये प्रॉपरली डिवाइड हो सके सब में। तो सबसे पहले हम पिज्जा पास्ता सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे भी लगाना है। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज। मेयोनीज भी लग गई है। अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी शेजवान चटनी बस टेस्ट के लिए डाल देते हैं, क्योंकि जो पिज्जा पास्ता सॉस होता है वो थोड़ा मीठे फ्लेवर में आता है। वो भी लग गई है। अब बारी है हमारी वेजीज की। इक्वली डिवाइड कर देंगे 5 में वेजीज, उसके बाद चिकन डालेंगे। वेजीज और चिकन मैंने रख लिया है। अब इसके ऊपर करेंगे चीज ग्रेट। अब इसे 2 मिनट के लिए तवे पे सेक लेना है और ओरिगेनो डाल के एंजॉय करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।